हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। भारत और चीन के रक्षा मंत्रियों की मुलाकात रशिया में इस वक्त शुरू हो चुकी है। गलवान और लद्दाख की घटना के बाद ये दोनों रक्षा मंत्रियों की पहली मुलाकात है। तो ले से मेरे संवाददाता, मेरे सहयोगी नीरज राजपूत और दिल्ली से संवाददाता प्रणय उपाध्याय दोनों जुड़ चुके हैं। प्रणय, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, हमने अभी अभी ब्रेक से पहले मास्टर स्ट्रोक में ये स्टोरी दिखाई थी प्रणय कि कैसे उनके जो जेस्टर्स थे, जो बॉडी लैंग्वेज थे, वो तो बड़े वेलकमिंग नहीं थे। और ऐसे में दोनों अब जब बैठक करेंगे और टेबल के आमने सामने बात करेंगे तो क्या निकल कर आएगा? देखिए, बातचीत दोनों देश पहले भी करते रहे हैं रूबिका। इसके पहले जब मिलिट्री लेवल पर डायलॉग हो रहा है तो निश्चित रूप से उच्च स्तर की बातचीत का भी, जो चूंकि चीन की तरफ से आग्रह किया गया था और भारत हमेशा से ये मेंटेन करता रहा है कि वो शांति चाहता है, बातचीत के लिए दरवाजे खुले हैं, लेकिन इसका रिफ्लेक्शन जमीन पर होना चाहिए। उम्मीद की जानी चाहिए कि इसमें, चूंकि आप भारतीय डेलीगेशन में देखें और चीनी डेलीगेशन में देखें, चाइनीज डेलीगेशन के अंदर हर कोई जो है वो फौजी वर्दी में नजर आ रहा है, यानी निश्चित रूप से ये जो डेलीगेशन है ये इसमें मिलिट्री रिप्रेजेंटेशन ज्यादा है। तो भारत की उम्मीद ये होगी, भारत इस चीज को कन्वे करना चाहेगा क्योंकि भारत के रक्षा मंत्री के साथ साथ रक्षा सचिव हैं। भारत सरकार के जो पूरा जो बिजनेस एलोकेशन रूल होता है उसमें भारत की बॉर्डर डिफेंस के लिए रक्षा सचिव जिम्मेदार होते हैं, तो भारत के रक्षा सचिव अजय कुमार उस समय वहां पर मौजूद हैं। और इसके अलावा पूरे डेलीगेशन के अंदर भारत की तरफ से कन्वे किया जाएगा कि अगर वाकई में बातचीत के जरिए चीजों को सुलझाना चाहता है चीन, तो उसकी सेनाएं पीछे हटें, टेंशन्स को कम हो, डिसएंगेजमेंट और डी इंडक्शन, ये डिसएंगेजमेंट और जो तनाव कम करने के लिए जितनी कार्यवाही करने की बातचीत हुई थी उसे जमीन पर ट्रांसलेट किया जाए, क्योंकि अभी तक दोनों फोर्सेस जो हैं वो आमने सामने की स्थिति में है रूबिका, तनाव बढ़ा ही है जैसा। बिल्कुल, ओके, सॉरी प्रणय, बीच में आपको रोक रही हूँ। अब जरा नीरज राजपूत का रुख कर लेते हैं। नीरज के पास कुछ तस्वीरें आई है, एकदम ताजा तस्वीरें हैं। नीरज, जरा उन तस्वीरों को बताइए। और ये इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन, ये शब्द है तो भारी भरकम, लेकिन हर बार चीन की तरफ से हो तो उल्टा जाता है। बातचीत करते रहते हैं, दूसरी तरफ उनको इंच बाय इंच एस्केलेट भी करना है। नीरज, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मुझे ये जानकारी मिली है कि शायद चूंकि आप वहां लेह में मौजूद हैं, कनेक्शन बहुत स्ट्रांग नहीं है। नीरज से एक बार फिर संपर्क साधने की हम कोशिश करते हैं, लेकिन इस वक्त आपको ये बता दें कि एलएसी पर जो विवाद चल रहा है गलवान के बाद, और नीरज मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, वो तस्वीरें क्या है जो आप दिखाना चाह रहे थे? पहले वो तस्वीरों को दिखा दीजिए, ये मीटिंग से जुड़ी तस्वीरें हैं। ये मीटिंग की पहली तस्वीर है जो हम दिखाने जा रहे हैं, जिसमें खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं और चीन के जो रक्षा मंत्री हैं वे फेंगी, जनरल वे फेंगी, उनके साथ मीटिंग हो रही है। और देखिए, आप पोस्टर देख लीजिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पूरा डेलीगेशन बैठा हुआ है, चीन का भी और भारत का भी, दोनों का ही। और बातचीत इसी बात के लिए हो रही है कि किस तरह से दोनों देश बॉर्डर टेंशन कम कर सकते हैं। भारत की तरफ से जो जानकारी मिल रही है वो इस बात के लिए कहा गया है कि चीन की तरफ से लगातार घुसपैठ की कोशिश होती है, शांति भंग करने की कोशिश की जाती है। इसके लिए ही चीन के जो रक्षा मंत्री हैं उनको कहा गया है और उनसे कहा गया है कि इस तरह की घटना ना हो एलएसी पर, जिससे कि दोनों देशों के बीच में। ओके जी, नीरज एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और मैं चाहूंगी कि कुछ और डिटेल्स आप पहुंचाएं, लेकिन ये देखिए ना, ये चित परिचित अंदाज है राजनाथ सिंह का, चित परिचित अंदाज। उंगली किसकी तरफ? चीन की तरफ है। बॉडी लैंग्वेज देखिए आप राजनाथ सिंह की, वो बता रहे हैं कि अब ये नहीं चलने वाला है।